लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्णकालीन सफाई कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर अंशकालीन सफाई कर्मचारी अपना विरोध जताते 2 अक्टूबर को पैदल यात्रा करते अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास घेरने का निर्णय लिया है। दरअसल कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही उन्हें पूर्णकालीन सफाई कर्मचारी का दर्जा दे देगी, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बावजूद अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने अब तक पूर्णकालीन सफाई कर्मचारी घोषित नहीं किया है। अपनी मांग को मनवाने के लिए ये पूरे कर्मचारी सभी जिला मुख्यालय से 2 अक्टूबर को रायपुर गांधी मैदान में एकत्रित होंगे। इसके बाद ये सभी स्कूल सफाई कर्मचारी पैदल डेंडी यात्रा निकालकर सीएम हाउस का घेराव करेगी। विजय झा, प्रांताध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ। छत्तीसगढ़ राज्य के 47,000 स्कूल सफाई कर्मचारी विगत 10-12 साल से अंशकालिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। इनको राज्य सरकार 2,2200 इस राशि में प्रति माह काम कराते हैं और ये कहा जाता है कि अंशकालिक है, 2 घंटा काम करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हेडमास्टर प्राचार्य लोग इनको दिन भर काम लेते हैं। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में न केवल स्कूल में सफाई करना, 12-15 कमरा को सफाई करना है, टॉयलेट को सफाई करना है, सुबह सफाई करने के बाद शाम को फिर सफाई कर देना है, तो कुल मिलाकर के इनका शोषण हो रहा है। इनकी एक सूत्री मांग है कि 2,000 रुपये अंशकालिक के बजाय पूर्णकालिक करके 10,000 रुपये इनको मासिक मिलना चाहिए और जो चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं राज्य सरकार इनको प्राथमिकता के आधार पर इनको नियमित करे। ये हमारे 99% 47,000 में 99% ऐसे कर्मचारी हैं जो बेचारे इनका शोषण हो रहा है। ये आरक्षित वर्ग के हैं, दोनों सरकार आरक्षित वर्गों के भलाई की बात करते हैं लेकिन इनका शोषण हो रहा है। इनको तत्काल अंशकालिक से पूर्णकालिक किया जाए, इसी मांग के ध्यान आकर्षण के लिए 2 अक्टूबर को दांडी यात्रा निकाल करके हर जिला ब्लॉक तहसील से पैदल आएंगे और राजधानी में एकत्र होकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। और मैं विजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, इनके आंदोलन का समर्थन करते रहा हूँ, आज भी समर्थन में उपस्थित हूँ। संतोष खांडेकर, प्रदेश अध्यक्ष। जी, माननीय टीएस सिंहदेव जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाते समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वादा किया था कि आप एक बार कांग्रेस की सरकार बनाते हो तो प्रदेश में आपकी मांग को पूर्ण किया जाएगा करके। आज लगभग 1,000 दिन हो गया कांग्रेस की सरकार बने हुए। हम लोग मंत्रियों को, अधिकारियों को हजारों बार ज्ञापन दिया लेकिन आज तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहे हैं। तो वादा याद दिलाने के लिए पूरा संभाग स्तर से गांधी जयंती के जन्म अवसर पर दांडी यात्रा के रूप में 75 वर्षगांठ पर स्वच्छता भारत जो राष्ट्र और केंद्र में चला रहे हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अपने मांग को लेकर हम लोग सभी संभाग मुख्यालय से निकलेंगे। पहला रोड रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर से रायपुर तक, दूसरा है महासमुंद राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है दुर्ग मिनी माता चौक से निकल के राजनांदगांव बालोद वाले आएंगे और एक कांकेर बस्तर वाले धमतरी अभनपुर रोड से आकर पूरा मुख्यमंत्री निवास को मांग पूरा नहीं होने पर 5 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंप कर घेराव करेंगे। यही निर्णय हुआ है। संतोष खांडेकर, प्रांताध्यक्ष, सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर। और राज्य में 47,000 कर्मचारी जिसमें 20,000 महिला कर्मचारी हैं, उनको परिवार चलाने के लिए 2,000 रुपया बहुत कम है। उनका आर्थिक मानसिक परिवार पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं और आज हमारे सफाई महिला कर्मचारी आर्थिक शोषण से जूझ रहे हैं। श्रम कानून का पालन होना चाहिए 1948 का और रोजगार गारंटी में आज 200 मजदूरी है और हमको अभी वर्तमान में 65-70 रुपये मजदूरी मिलता है जो बहुत कम है। कम से कम एक दिन का मजदूरी दर 400 रुपये जो कलेक्टर दर है वो दिया जाए। इन बातों को लेकर रैली निकालेंगे। मांगे पूरी नहीं होगी तो 5 अक्टूबर से हम लोग अनिश्चितकालीन दिन रात बैठेंगे शासन को जगाने के लिए। और इस बीच यदि कुछ भी अप्रिय घटना होता है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और शासन से मांग कर रहे हैं हम लोग कि जितना हमारा जो पद यात्रा निकलेगा उसमें शासन की पेट्रोलिंग व्यवस्था होना चाहिए और एम्बुलेंस सुरक्षा का भी व्यवस्था मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से। हमारे कोई भी कर्मचारियों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी दुर्घटना होती है, अप्रिय परेशानी होती है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।